क्राइम हिलोरे न्यूज पर फटाफट खबरों के प्रायोजक हैं बीकानेर स्वीट्स कॉर्नर, बीकानेर स्वाद की शान, चौक मुल्तानी ढाड़ा पहाड़गंज में। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में अवैध हथियार के साथ झज्जर शहर निवासी एक आरोपी रवि पुत्र सुभाष गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने किया चोरी के अलग अलग अनसुलझी चार वारदातों का खुलासा। CIA टू बहादुरगढ़ की टीम ने थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ क्षेत्र से किया गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में अपनी ही मां की हत्या करने का आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी बेरहमी से सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या करके शव को खुर्द बुर्द करने की नीयत से दबाया गोबर के गड्ढे में। गांव मुनीमपुर जिला झज्जर निवासी आरोपी प्रवीण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश खुद ही दिखे फोगिंग करते। जी हां, दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेयर ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बरसात में कहीं भी जल भराव ना हो और गंदगी का ढेर ना लगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। ऐसे में मेयर जयप्रकाश खुद भी क्षेत्र में फोगिंग करते नजर आए। जयप्रकाश जैसे जन सेवक से निगम के अन्य पार्षदों को भी सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। केशवपुरम के प्रेरणा चौक के रेड लाइट पर हुआ हादसा। माल से भरा ट्रक पलटा, ट्रक के उड़े पर कच्चे। रेलवे के माल से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर लगा पोल भी उखड़ा। गुहाना से सराय रोहिला इलाके में जा रहा था ट्रक, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे। ट्रक छोड़ ड्राइवर और कंडक्टर मौके से हुए फरार। केशवपुरम थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हटाया एंक्रोचमेंट। इंद्रलोक के शहजाद बाग में एंक्रोचमेंट हटाने को लेकर लोगों में रोष। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एंक्रोचमेंट दस्ता आज दिल्ली के इंद्रलोक के शहजाबाद में एंक्रोचमेंट हटाने पहुंचा। निगम की इस कार्रवाई से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते लोग रोजी रोटी के लिए परेशान है। लॉकडाउन के चलते कई महीने दुकानें बंद रही और अब निगम की इस कार्यवाही से हमारी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। राहत देने की बजाय निगम हमें उजाड़ रहा है। लोगों का आरोप ये भी है कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण में सरकार एक जगह इकट्ठा नहीं होने पर रोक लगा रखी है, वहीं निगम इस दौरान खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लोगों में निगम की इस कार्रवाई को लेकर काफी रोष है। फिलहाल क्राइम हिलोरे फटाफट न्यूज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें क्राइम हिलोरे न्यूज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।